أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد पिछली मजलिस में हमने देखा कि औलाद की तरबियत का एक फ़ायदा ये है कि यही औलाद बुढ़ापे का सहारा बनती है। जब इंसान को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, बीमारी, कमज़ोरी, याददाश्त और इसी तरह से और कई मसाइल इंसान के पैदा हो जाते हैं, ऐसे वक्त में दूसरों के रहम व करम पर इंसान टिका रहे, इससे बेहतर ये होता है कि उसकी औलाद उसके लिए निगरानी करने वाली, हिफाजत करने वाली, उसके साथ अच्छा सलूक करने वाली हो। लेकिन अगर दीनी तरबियत औलाद की ना हो तो इस मजबूरी के वक्त में सबसे करीबी, जिन पर पूरी ज़िंदगी उसने निछावर की, वही उसका साथ छोड़ देते हैं। हाँ, अगर दीनी तरबियत की थी तो चाहे औलाद अमीर ना हो, पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन अगर दीनदार हैं तो वो अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़ के माँ बाप के लिए देती है, अपने बीवी बच्चों को भी माँ बाप की खिदमत पे लगाती है, अगर औलाद दीनदार हो तो। लिहाजा एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान की कमज़ोरी और मजबूरी और ज़िंदगी का आखिरी दौर, इस दौर में औलाद उसके लिए सुकून का और मदद का और कुव्वत का बाइस बनती है। इसलिए औलाद की दीनी तरबियत बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दुनियावी नहीं। नंबर चार, औलाद की तरबियत का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान को दुनिया ही में सुकून मिलता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ईमान वाले नेक बंदों का हाल क्या होता है, वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वल्लज़ीन यकूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक नसीब फरमा, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ए अल्लाह हमें मुत्तकीन के लिए उस्वा और नमूना बना, उनका इमाम बना कि हमें देखकर लोग हमारी इक्तिदा करें, हमको फॉलो करें, हमको लोगों के लिए आइडियल बना। किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। नेक इंसान वो है कि जो औलाद को और घर वालों को, बीवी बच्चों को दीनदार देखकर खुश हो, बाअख्लाक देखकर खुश हो। तो एक इंसान जब वाकई दीनी चाहत रखता है और उसे एहसास होता है कि भलाई क्या है, बुराई क्या है, तो जब वो अपनी औलाद को दीनदार देखता है, घर के माहौल को दीनी देखता है, तो फिर उसके दिल को सुकून और चैन नसीब होता है, आँखों की ठंडक उसको नसीब होती है। आँखों की ठंडक से मुराद यहाँ पर यही है कि इंसान के दिल को सुकून व इत्मीनान नसीब होता है। आप देखिए, एक आदमी घर पे जाए, घर के अंदर एक बच्चा कोने में बैठ के कुरान हिफ्ज़ कर रहा, दूसरा बच्चा कोई नमाज नफल पढ़ रहा है, बच्ची है बिल्कुल हिजाब में, पर्दे में, यानी घर के अंदर अच्छे दुपट्टा वपट्टा बांध के हैं, और ये घर पे जाते ही उसके लिए उसके हाथ में से बैग लेके एक बच्चा रख दे, ऑफिस से थक के आया है, जूते वूते निकाल के रखा तो सलीके से उसको रख दे, बीवी आ जाए उसको चाय वाय पानी वानी लेकर आ जाए, ये मंजर अगर घर का हो, आदमी को वो अपने घर में बादशाह अपने आप को महसूस करता है। लेकिन अगर माहौल घर का ये हो कि एक बच्चा वो जो है वीडियो गेम खेल रहा है, बेटी टिकटॉक पे वीडियो बना रही है, और बाप आके सलाम कर रहा है तो डिस्टर्ब कर रहा है, घूर के देख रही है कि इनका सलाम भी इसमें आ जाएगा, और बीवी बैठ के जो है टीवी देख रही है, और ये जाके बीच में खड़ा हो जाए तो थोड़ा बाजू हो जाओ बोल रही है उसको, ऐसा अगर माहौल हो और फ्रिज में से लेके खा लो बोल रही है,
तो अगर ऐसा माहौल घर का हो तो इंसान अपने घर में खुद मुजरिम हो जा रहा है, सब कुछ दे के खिला पिला के उस घर के अंदर क्या बन गया हो, गैर जरूरी चीज। तो एक इंसान अगर घर का माहौल दीनी हो, खास करके बच्चे दीनदार हों, तो ये देख के इंसान को सुकून महसूस होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, ऐ हमारे रब हमारी बीवियों और बच्चों से हमें आंखों की ठंडक नसीब फरमा, दुनिया में भी आखिरत में तो है ही है, अगर नेक होंगे नेक अंजाम होगा तो खुशी तो होगी, लेकिन दुनिया में भी उनकी दीनदारी उनके अखलाक उनके अच्छाइयों को देखकर खुशी हो, दिल का सुकून हो। लेकिन वही माँ बाप अगर बच्चों को बुराई करता देखें, कोई शराब पी के आ रहा है, लड़की बेपर्दा घूम रही है, लड़के के साथ डबल सीट घूम रही है, अगर ये देखता है बाप शर्म से सर झुक जाता है। तो एक इंसान औलाद की सही तरबियत करके दुनिया में भी सुकून की जिंदगी जीता है, उसका हेडेक खत्म हो जाता है। औलाद देखिए हार्ट अटैक देती है औलाद, उसके दिल के लिए बड़ा बहुत बड़ा जख्म देती है औलाद, जो कोई और नहीं दे सकता है। इंसान जिल्लत से जिंदगी गुजारता अगर औलाद दीनदार नहीं होता तो। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी दुआ करते हैं ऐ अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना। यहाँ इमाम बना इस एतबार से नहीं कह रहे कि हमको कोई ओहदा चाहिए, इमाम बना से मुतालिक हमको मुराद ये कि हमको इतना दीनदार बना, इतना मुत्तकी बना, इतना अच्छा इंसान बना कि अच्छे लोग भी हमको देख के अपनी इस्लाह करें, हमको देख के चलें, हमें अपना मुक्तदा माने। तो इस तरह से हमको इतना आला अखलाक दे, इतना ऊंचा तकवा दे कि तकवा वालों के लिए हम उस्वा बन जाएं अपने दौर के लोगों के लिए। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, यानी हमें भी तकवा का आला तरीन मकाम नसीब कर। इसमें दोनों चीज़ें जमा हैं कि औलाद घर वाले उनकी दीनदारी की चाहत तमन्ना अल्लाह से दुआ, खुद अपने लिए भी दीनदारी का ऊंचा मकाम अल्लाह से मांगना। ये नहीं कि अल्लाह उनको दीनदार बना लेकिन मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, नहीं, उनको भी दीनदार बना और मुझे भी दीनदार बना। ये मिजाज इंसान के अंदर हो तो ये खैर आती है इससे। और इस आयत से बात मालूम होती है कि औलाद की दीनदारी घर वालों की दीनदारी इंसान के लिए दिल का सुकून है, उसके लिए दिल का सुकून है। ये सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 74 है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला कहते हैं इस आयत में जो कहा गया कि हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अय्युन, ऐ अल्लाह हमें अपनी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक नसीब कर, कहते हैं कि यानूना मैं यअमलु लका बित्ता, मुराद क्या है कि उनका मतलब यह है कि अल्लाह हमें ऐसी औलाद दे, ऐसे घर वाले नसीब कर, उन्हें ऐसा बना कि वो तेरी फरमा बरदारी वाले अमाल करें। फतकर्रु बिहिम अय्युनुना फिद दुनिया वल आखिरा, तो उन्हें देखकर तेरी फरमा बरदारी करता देखकर दीन पर चलता देखकर दुनिया और आखिरत में हमारी आंखों को ठंडक नसीब हो, हमारी आंखें ठंडी हों, हमें सुकून नसीब हो। तो दीनदारी औलाद की ये दिल का सुकून है। इब्न जरीर अत-तबरी ने इसको अपनी तफसीर में रिवायत किया है। नंबर 5, औलाद की अच्छी तरबियत, औलाद को दीनदार बनाना, उसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि मरने के बाद औलाद उसके लिए दुआ करती है। मरने के बाद अमल तो है नहीं लेकिन इसके पीछे उसके लिए दुआ करने वाले हों जो गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करें, दिल की गहराइयों से दुआ करें इसकी मगफिरत के लिए, इसके दर्जात की बुलंदी के लिए, इसकी नजात के लिए, इससे अच्छा और इंसान क्या कर सकता है कि वो खुद तो नहीं कर रहा है, उसके बाद उसकी औलाद उसके लिए दुआ कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा मातल इंसानु इनकता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे आमाल मुनकते हो जाते हैं, आमाल का सिलसिला रुक जाता है, अमल खत्म, जिंदगी खत्म, अमल खत्म, इल्ला मिन सलासा, हाँ मगर तीन चीजें हैं जो बाकी रहती है, उसका फायदा उसको होता रहता है। इल्ला मिन सदकतिन जारिया, सदके जारिया बाकी रहता है, कोई पेड़ लगा दिया फलदार
लोग उसका फल तोड़ के खाते हैं, उसके साए में बैठते हैं, तो इसके काम से दूसरों को फायदा हो रहा है, तो मरने के बाद भी चूंकि फायदा हो रहा है तो मरने के बाद भी सवाब मिलेगा। जाहिर बात है कि इसकी मौत के बाद भी उसका अमल, उसका नतीजा बाकी है, तो उसका इनाम भी अल्लाह उसको देगा। अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता है। तो इल्ला मिन सदकतिन जारिया औ इल्मिन युन्तफअ बिही, या वो अपने पीछे ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोगों को फायदा होता रहे, चाहे वो इल्म दीन का हो या दुनिया का हो। यहाँ नफे की कैद लगाना बताता है कि दुनियावी उलूम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि दीनी इल्म तो सारा का सारा फायदे वाला है, लेकिन अगर दुनियावी इल्म छोड़ जाता है, हिसाब का इल्म जिससे लोग ज़कात का हिसाब करें, या इसी तरह से सितारों का इल्म जिससे लोग अपनी सिमत मालूम करें, या इसी तरह से दूसरे तामीर का इल्म जिससे लोग मस्जिदें तामीर करें, घर तामीर करें, तो ये सारे उलूम जो दुनियावी हैं, अगर इसके बाद वो इल्म छोड़ता है जिससे लोग फायदा उठाएं, खैर का काम करें, तो फिर ये इल्म भी उसके लिए सवाब का जरिया बनता है, उसका फायदा उसको होता है। और आखिरी चीज क्या है? अवलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करती रहे। औलाद की दुआ मरने के बाद भी काम आती है, लेकिन कैद यहां लगाई गई अवलदिन सालिहिन, नेक औलाद उसके लिए दुआ करती रहे। क्यों? इसलिए कि नेक औलाद अगर नहीं होगी तो जायदाद में कुछ नहीं छोड़ने की वजह से लानतें करेगी, शिकायतें करेगी। नेक औलाद अगर नहीं होगी तो अपनी दुनिया में मगन हो जाएगी। अल्लाह को भूला तो तुझको क्यों नहीं भूलेगा? जो अल्लाह को याद नहीं रखता तुझको क्या याद रखेगा? तो ने उसको अल्लाह को याद रखना सिखाया होता, वो तुझको भी याद रखता, क्योंकि अल्लाह ने तेरे बारे में हुक्म दिया है। तो नेक औलाद अगर होगी तो मरने के बाद माँ बाप के एहसानात का शुक्र करेगी, उनकी कोताहियों से दरगुजर करेगी और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करेगी। और नेक औलाद अगर होगी, हराम नहीं खाएगी, कतअ रहमी नहीं करेगी, तो उसकी दुआएं भी कबूल होंगी, वरना खुद गलत काम करेंगे, दुआ कैसे कबूल होगी उसकी। तो अव्वल दिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। इमाम मुस्लिम ने किताबुल वसीयह में हदीस नंबर 1631 पर इसको रिवायत किया है। इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान के मरने के बाद भी औलाद की दुआ से उसको फायदा होता है। हम ऐसे लोग छोड़ जाएं जो हमारे बाद हमारे लिए दुआ करते रहें। औलाद की दुआ माँ बाप के हक में कबूल होती है, इसलिए नेक औलाद को अपने पीछे छोड़ना ये बहुत बड़ा फायदा है। नंबर 6, नेक औलाद अगर अपने पीछे छोड़ जाए, उनकी दीनी तरबियत करे, उनको दीन सिखाए, अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, वो जितने नेक काम करेगा इसको सवाब मिलेगा। बेटा झूठ नहीं बोलना, नमाज नहीं छोड़ना, जकात बराबर देते रहना, हलाल कमाना, बड़ों का अदब करना, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, जो भी इबादत की सुन्नत के मुताबिक करना, बिदात से बचना, मेरे मरने के बाद मातम मत करना, गाली गलौज मत करना, शराब मत पीना, ये नहीं करना, वो नहीं, बेटी पर्दा करना, शोहर के हुकूक अदा करना, सास ससुर के भी ख्याल रखना, खिदमत करना, खिदमत से दिल जीतना, तो ये अगर सिखा के गए, इसके बाद वो जिंदगी भर जो अमल करते रहेंगे, माँ बाप को सवाब मिलेगा, माँ बाप को सवाब मिलेगा, बल्कि वो अपने बाद जिनको सिखाएंगे कि देख दादा जान ऐसा बोलते थे, देख नाना जान ऐसा सिखाते थे, नानी अम्मा ऐसा बोलती थी, दादी अम्मा ऐसा बोलती थी, अपनी औलाद को सिखा रहे हैं, अपनी औलाद को सिखा रहे हैं, तब जाके उसका सवाब भी इनको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सिखाया है उनको, इन्होंने तरबियत की है। लिहाजा एक इंसान अगर अपनी औलाद को दीनदार बनाए तो उनके नेक आमाल में भी ये सवाब का हकदार बन जाता है, सिर्फ दुआ में नहीं। पहली हदीस दुआ आली थी, सिर्फ दुआ में नहीं बल्कि उनके नेक आमाल में भी सवाब का हकदार बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथ्लु अजरि फाइलिही, जो इंसान किसी दूसरे को किसी खैर की तरफ रहनुमाई करे, कोई अच्छा काम सिखा जाए, फलहु मिथ्लु अजरि फाइलिही, उसे अमल करने वाले की तरह सवाब मिलता है,
उसे अमल करने वाले की तरह सवाब मिलता है। अपनी औलाद को हम कितना क्या कुछ नहीं सिखा सकते, कितना वक्त हमारे साथ रहते वो लोग और सुनते। बच्चों को आप जो चाहें बताएं मानते वो लोग। आपको फ्री में स्टूडेंट मिले हैं, डिवोटेड डेडिकेटेड। बच्चे खेलते आप, हमारे अब्बू ऐसा बोलते हैं, हमारी अम्मा ऐसा बोलती है। वो बहुत ज्यादा माँ बाप की कदर करते हैं पहले मरहले में, जब तक कि उनकी खोट सामने नहीं आती, जब तक कि माँ बाप के उयूब सामने नहीं आते। एक उम्र के बाद वो पहचान, बोलते ऐसा करते वैसा। जब ऐसा उनको समझने लगता है कि ये वैसे नहीं जैसा हम समझते थे, वहां से वो बागी बनना शुरू होते हैं। लेकिन अगर औलाद ऐसी हो कि जैसे जैसे बड़ी होती जाए, कहे मैं तो इनको कम समझता था लेकिन ये और भी अच्छे निकले, आप बताइए औलाद कितनी ज्यादा अच्छी होगी। कि जो औलाद माँ बाप को देखकर नाउमीद ना हो, वो औलाद जो माँ बाप को देखकर डिसअपॉइंट ना हो कि नहीं मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, कल तक मुझको 10 खूबियां मालूम थी, आज 20 खूबियां मालूम हो गई, कल तो ये चीजें नहीं समझती थी, आज समझ में आ रहा कितनी कुर्बानी देते मेरे लिए लोग। आप बताइए अगर उनको जैसे जैसे बड़े होते गए उनको रियलाइज होता जाए कि माँ बाप कितने अच्छे हैं, तो वो बच्चे कितने अच्छे बनेंगे। तो माँ बाप औलाद को अपने कौल से अपने अमल से भलाई सिखाएं। नेकी अल्लाह का हक अदा करना, बंदों का हक अदा करना अपनी औलाद को सिखाएं। जब वो बाद की जिंदगी में चाहे माँ बाप मर जाएं, चाहे माँ बाप मर जाएं, उसके बाद वो जो कुछ करेंगे इस तरबियत के नतीजे में वो सारा सवाब इनको मिलता रहेगा। कितना सवाब हो सकता है, माँ बाप उतनी बड़ी नेकियां न कर सके जिंदगी में। बेटा अल्लाह ने माल दिया ना, हज करना, देख हम लोग गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है, कल को हो सकता है अल्लाह तुझको माल दे, आज हम है कल नहीं है। हज करना, उमरा करना, गरीबों की मदद करना, मदरसों में मस्जिदों में ताउन करना, दीन का इल्म आम करना, अब उसके दिल में बात बैठ गई। आप जो नहीं कर सके, आपके बाद वो जो करेगा, आप वो अचीव कर रहे हैं जो आप नहीं कर सके। आपकी जिंदगी थी 50-60 साल की, उसको जिंदगी दी अल्लाह ने 80 साल की, तो आपकी उम्र कितनी बनी, 80 और 50 कितने हुए, 60 पकड़ लो, ठीक है हदीस के हिसाब से 60-70 मेरी उम्मत की उम्रें होंगी, आपके 60 और उसके 80 कितने हो गए, 140, 140 साल मिले आपको। इतनी नेकियां आपने की, क्यों, जो जो वो कर रहे सब आपको मिल रहा, रात के अजकार, सुबह के अजकार, खाने के बाद का जिक्र सब कर रहा हूं। आपने सिखाया था उसको, बिठा के सिखाया था, मां ने सिखाया था, बेटा याद कर कल सुनूंगी मैं, बाप ने कहा था याद किया, अम्मा ने क्या सिखाई, सुना मुझको भी सुना, माशाल्लाह कितनी अच्छी दुआ पढ़ा मेरा बच्चा, ये कहां है हमारे पास, ये हमने सिखाया उसको, जिंदगी भर एहतमाम करता रहा। आप मर गए आपके बाद आपको उस दुआ का सवाब मिल रहा है, आप कब्र में पड़े हुए हैं लेकिन कब्र में आप हैं, आपके नामा अमाल में जमा होता जा रहा, जमा होता जा रहा औलाद का। सोचिए, और ज्यादा बच्चे हैं तो सबका आएगा, उतनी उम्रें जमा कीजिए आप। एक बच्चे का बोला मैं तो 140 कैसा हुआ, एक बच्चे के हिसाब से हुआ ना, आपको तो अल्लाह ने ज्यादा दिए हैं। किसी को अगर 4 बच्चे हैं तो आप 4 के हिसाब से आप 60 पकड़ो, चलो कम करो, 60 के हिसाब से 4 बच्चे कितना हुआ, 240 और आपके 60, अल्लाह आप और उम्र में बरकत दे, लेकिन मैं हिसाब से बोल रहा हूँ, बोलेंगे 60 ही बोल रहे कैसे, ऐसा किसी बोल, हमको ज्यादा जीना है, अच्छी बात है, 60 और 300 साल हो गए ना, 300 साल उम्र मिलती है आज, 300 साल की नेकियां आपके साथ जमा होंगी। क्या किया आपने, बच्चे को ऐसी उम्र में सिखाया जिसमें वो रिकॉर्ड हो जाता, बाद में तो खुद ही दौड़ने लगा हो, बाद में आप उसको गोद में उठाने की जरूरत नहीं है, बाद में वो खुद दौड़ेगा। आपने उस उम्र में तरबियत की जबकि वो ले रहा था, आपने उस टाइम को जाय नहीं किया, आपने एजुकेट किया उसको, आपने उसको अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे उसूल सिखाए जिंदगी के। अब वो जो करेगा सब आपको मिलेगा। कितना बेवकूफ आदमी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जाय करता है, कितने अच्छे मौके को जाय कर देता है इंसान। तो अगर 4 बच्चे हैं तो 300 साल तो कहीं नहीं गए,
इतना सवाब, इतना अमल, कैसे जहन्नम में जाएगा आदमी भाई? जब इतना सब कुछ करके कैसा जाएगा जहन्नम? कितनी नेकियां जमा हो रही उसकी, यहां वहां सब करता। बल्कि बाज लोग दुनिया भर में करते, अपनी औलाद को नहीं सिखाते। बैठेगा वहां पे रात में देर तक पान खा के लोगों के साथ में बहस मुबहसा करते हुए, और घर पे आके बच्चों को नहीं सिखा रहा, बाहर बैठ के डिबेट कर रहा है ये गवर्नमेंट अच्छी की वो अच्छी। हाँ, प्रोटेस्ट करना चाहिए हिजाब के बारे में या लीगल फाइट लड़ना चाहिए, उस पर बहस कर रहा। घर पे आके कम से कम बच्ची को हिजाब की तलकीन कर देता, बेटा कुछ भी हो, दुनिया में नाकाम हो, कुछ भी हो, हिजाब छोड़ना नहीं। बेटे तो जॉब नहीं मिला, चलेगा तो हमाली करेगा, मेरे को कोई गम नहीं, पड़ा पैसा मेरा गया पानी में, कोई बात नहीं, दाढ़ी मत काटना। अच्छे से अच्छा जॉब मिला, नहीं मिला छोटा मोटा कारोबार कर, दाढ़ी मत काट, दीन छोड़ के नहीं, मुझको नहीं खिलाएगा चलेगा, तू तेरा खा, तेरे बीवी बच्चों को पाल, तू तेरे हिसाब से जी, बेदीन होके मत कर। अगर तरबियत किया औलाद की, वो औलाद दीनदार बने, सब सवाब आपको मिलेगा। हम लोग बच्चों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। अक्सर हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं, और हम ध्यान भी नहीं देते हम क्या कर रहे हैं। ये एक अलग उनवान है, हम बच्चों को कैसे बिगाड़ते हैं, ये एक मुस्तकिल अलग उनवान है। इंशाल्लाह तफसील से बच्चे क्यों बिगड़ते हैं इस पे हम लोग इंशाल्लाह गौर करेंगे। तो इस हदीस से बात मालूम होती है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथ्लु अज्री फाइलिही, कि जो किसी को खैर की रहनुमाई दे उसको अमल करने वाले की तरह सवाब मिलेगा। इमाम मुस्लिम ने किताबुल इमारा में इसको रिवायत किया, हदीस नंबर 1893। नंबर 7, न सिर्फ ये कि इंसान को सवाब मिलता है, बल्कि नेक औलाद की वजह से जन्नत में जाने वाला भी आदमी है। वो अपने अमल से गया भाई जन्नत में, लेकिन दर्जा छोटा मिला था, उसका दर्जा ऊंचा हो सकता है औलाद की दुआ से। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। ये इंजीनियर की बात नहीं चल रही है, ये दीनदार इंजीनियर की बात चल रही है, खाली इंजीनियर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल ला यरफ़ऊ दरजता लिल अब्द सालिह फिल जन्नत, अल्लाह ताला एक नेक बंदे का दर्जा जन्नत में ऊंचा कर देगा। था कुछ और, अल्लाह ने ऊंचा कर दिया उसको, ऊंचे दर्जे पे चला गया। जन्नत के दर्जात है ना, तिर्मिजी की हदीस में कि 100 दर्जात जन्नत के हैं। सोचिए, जाहिर बात है कि जो दूसरे दर्जे में ऊपर का होगा वो नीचे में तो नहीं होगा ना, फिर फर्क क्या पड़ा दर्जे करने का। ऊपर जो हाई लेवल का होगा उससे हाई लेवल, उससे हाई लेवल, और सबसे ऊपर क्या, अलफिरदौस, जहां से सारी नहरें जन्नत की शुरू होती हैं, पानी की, दूध की, शहद की, शराब की, और उससे ऊपर रहमान का छत यानी अर्श है, छत उसकी, अर्श उसकी छत है अलफिरदौस। तो दर्जात है जन्नत के, तो एक दर्जा बढ़ जाना भी बहुत बड़ी बात है। झोपड़े से निकल के महल में गया तो कुछ फर्क तो है ना, हाँ जन्नत में लेवल्स हैं, तो उसका दर्जा अल्लाह बढ़ा देगा। वो क्या कहेगा, वो कहे फयकुल या रब अन्ना ली हादिही, कहे मेरे रब ये ऐसा कैसा मिला मुझको, मतलब मैं ऐसा कोई कारनामा तो किया नहीं, तो मेरा दर्जा बड़ा कैसा, मैं इस लायक था नहीं, आया कैसा इतनी बड़ी जन्नत में, इतनी आला जन्नत में मुझको मिला कैसा मौका। उससे क्या कहा जाएगा, फयकुल बिस्तिग़फारी वलदिका लक, तेरी औलाद के तेरे लिए मगफिरत की दुआ करने की वजह से। तेरी औलाद तेरे लिए मगफिरत की दुआ करती रही, उसकी दुआ की वजह से आज तेरा मर्तबा, दर्जा, मकाम जन्नत में ऊंचा किया जा रहा है। बताइए, जो अपने लिए इस्तिग़फार न करे माँ बाप के लिए क्या करेगा, वो तो दुनिया में ही भागेगा, वो तो माँ बाप पे लानत ही करेगा कि कुछ किए नहीं हमारे लिए, जायदाद भी कुछ छोड़े नहीं ताकि हम कुछ अच्छा जिंदगी में कर सकें, यही बोलेगा अगर दुनियादार होगा तो। दीनदार होगा तो कहेगा, अल्लाह उन्होंने जो भी किया बहुत किया, अल्लाह कुछ कमी रह गई हो तो माफ कर दे। ये कौन कहेगा, जो आला ज़र्फ़ औलाद है, हाई कैरेक्टर की औलाद है, ऊंचे किरदार वाली, ऊंचे अखलाक वाली औलाद, वो बोलेगी है जो अपने माँ बाप के एहसानात को जानती हो, उनकी तकलीफ के साथ उनकी कोशिशों को देखती हो, सिर्फ कोशिश को नहीं।
अगर बाप ने आधी रोटी औलाद को खिलाई हो तो ये देखे कि एक भाई को एक बहन को दोनों को देखे माँ बाप भूखे रहे, वो ये नहीं देखे आधी रोटी खिलाते थे हमको, ये देखे नहीं, वो ये देखे हमको आधी खिला के खुद भूखे रहते थे। ये भी देखना जरूरी है कि उन्होंने जो कि जो किया वो थोड़ा किया, ठीक है थोड़ा किया, लेकिन उन्होंने कितनी तकलीफ से वो किया, कितनी कुर्बानियों के साथ वो किया। हम थोड़े को देखते हैं, उसके पीछे की कुर्बानियों को नहीं देखते हैं। इसी वजह से हम लोग अक्सर नाशुकरे होते हैं, चाहे वो बीवी शोहर का मामला हो, चाहे वो औलाद वालिदैन का मामला हो, चाहे भाई भाई का मामला हो, उसके पीछे की कुर्बानी मशक्कत मुसीबत परेशानी तंगी तकलीफ नहीं देखता आदमी। कितना देखता, कैसा नहीं देखता, कैसा भी देखना चाहिए। तो अगर वो वैसा होगा बेटा या बेटी, तभी जाके माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ करेंगे, वो अपनी जिंदगी में से कुछ लम्हात निकालेंगे, खाने पीने हाँ पहनने ओढ़ने जहाँ जाने वहाँ जाने अपने एंटरटेनमेंट जो भी थोड़ा वक्त निकालेंगे कि माँ बाप की याद भी आएगी उनको। जब भी याद आएगी क्या होगा, जुबान से दुआ निकलेगी। कब, जब आखिरत की खुद उनको फिक्र होगी, जब माँ बाप की कदर उनको होगी तब जाके दुआ करेंगे। तो इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है और सैयद जामे सगीर में यह हदीस मौजूद है 1617 पर। यह रिवायत मौकूफन व मरफूअन दोनों आई है, लेकिन मरफू ज्यादा राज है इसमें है कि यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। नंबर 8, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चे को अशरफुल उलूम इन खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अगर है तो वह अल्लाह की बात अल्लाह की किताब है। सबसे बड़ा इल्म कौन सा, जो अल्लाह ने अपने नबी को दिया हो, कौन सा है, कुरान। ये इल्म अगर अपनी औलाद को देता है उसका क्या है, आइए देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व तअल्लमहु व अमिल बिही, जिसने कुरान पढ़ा कुरान को सीखा गहराई के साथ और उसके मुताबिक अमल भी किया, कुरान की तिलावत भी करता था लेकिन खाली तिलावत पर इक्तिफा नहीं करता था बल्कि कुरान के मानी उसके अहकाम को सीखा उसने और वामिला भी उसके मुताबिक अमल भी किया, पढ़ा सीखा अमल किया, तीन काम। उल बिसयौमल क़ियामती ताजम मिन नूर, क़ियामत के दिन उसे नूर का ताज पहनाया जाएगा। दौउहु मिथ्लु दौउ शम्स, उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसे सूरज का नूर, सूरज की रोशनी की तरह बिल्कुल इतना रोशन ताज होगा। व युक्सा वालिदैही हुल्लतानि ला यकूमु बिहिमा दुनिया, और उसके माँ बाप को, बाप को भी माँ को भी दोनों को। व युक्सा वालिदैही, उसके माँ बाप को एक ऐसा लिबास जोड़ा पहनाया जाएगा, ला यकूमु बिहिमा अद्दुनिया, पूरी दुनिया की सारी चीजें बेच कर भी उसकी कीमत नहीं दे सकती, इतना महंगा और कीमती लिबास माँ बाप को पहना जाएगा। वह युक्सा वालिदैही हुल्लतानि ला यकूमु बिहिमा दुनिया फयकुलान, माँ बाप कहेंगे बिमा कुसीना, अल्लाह हमको किस बुनियाद पे इतना अच्छा लिबास तूने पहनाया। फयुकाल बि अख्दि वलदिकुमा अल कुरान, उनसे कहा जाएगा तुम्हारी जो औलाद ने कुरान का इल्म लिया ना, कुरान का एहतमाम किया ना, उसके बदले तुमको दिया जा रहा है। तुम्हारी औलाद के कुरान के इल्म के एहतमाम की वजह से कि उसने उसको सीखा, उसकी तिलावत का एहतमाम किया और उसके मुताबिक अमल किया, तो कुरान से जुड़ा रहा तुम्हारा बेटा बेटी, उसकी वजह से तुमको ये किया जा रहा है। इतना आला लिबास तुमको दिया गया है, ऐसा आला लिबास, इतना उम्दा लिबास के पूरी दुनिया बेच के भी उसकी कीमत नहीं दे सकते। इतने खजाने दुनिया में हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, क्या नहीं है दुनिया में, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है, ये सब भी उसकी मिल के कीमत नहीं बन सकते। एक ड्रेस, कैसा ड्रेस होगा बताइए, किसके लिए, किस बुनियाद पर है, बेटे को इंजीनियर बनाने की वजह से है ऐसा, डॉक्टर बनाने की वजह से, आईटी में भेजने की वजह से नहीं, बेटे को कुरान का इल्म देने की वजह से कि उसने कुरान को जिंदगी में ऊंचा मकाम दिया, उसका एहतमाम करता रहा, पढ़ना सीखना अमल करना,
कहां जा रहे हम लोग? जैक एंजिल, हाँ हमारी जिंदगी में ये है, ABCD 1 2 3 4 2 1 2, ठीक है, उसको जहां रखना है वहीं रखिए, उसको जहां रखना है वहीं रखिए। दीन का इल्म जो है उसका मकाम ऊंचा है, उसके साथ वो भी हो ठीक है, दुनिया में भी चलना है भाई उसको। वला तंसा नसीबका मिन अद्दुनिया, दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसको भूल मत, दुनिया में तेरा जो हव है, जो हिस्सा है, जो जिम्मेदारी, उसको भूल मत। लेकिन दीन, ये तो मकसद है, वो जरूरत है, जरूरत के लिए मकसद को कुर्बान नहीं किया जा सकता है, मकसद के लिए जरूरत को कुर्बान किया जा सकता है। तो हम दीन का इल्म कुरान से उसको जोड़ें, हम सारी दुनिया के इल्म उसको सिखा रहे, कुरान नहीं सिखा रहे उसको, ये होना चाहिए, ये जिंदगी में होना चाहिए कि कुरान सिखाया जाए और उसके साथ बाकी उलूम भी सिखाइए, कोई मसला नहीं। इस्लाम इसका दुश्मन थोड़ी है, इस्लाम मुखालिफ थोड़ी है दुनिया उलूम का। दुनिया अभी भी मुसलमान आगे हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, बड़े बड़े ओहदों पर अच्छे से अच्छा इंजीनियर हो, बड़े बड़े लोग उसको बुलाते हो, भाई हमारी बड़ी बिल्डिंग देखो, चेक करो जरा इसका सही बना है कि नहीं खाका, ऐसा हमारा बच्चा ऐसा हो, बड़ा बन के ऐसा बने हुए, लेकिन दीन को छोड़ के नहीं, दीन को छोड़ के नहीं। खाना खाते वक्त सांस लेना छोड़ देते, हाँ बोले सांस लेना ही बंद हो गया तो खाना मर जाऊंगा ना मैं, खाना रुक सकता है, सांस रुक सकता, एक घंटा पोस्टपोन खाना हो सकता कि नहीं? हो सकता, सांस एक घंटा पोस्ट, 3 मिनट भी नहीं कर सकते, हाँ यही पोस्टपोन हो जाए, प्रीपोन हो जाएगा, चला जाएगा। कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा अहम होती है, कुछ चीजों को टाला जा सकता है, कुछ चीजों को टाला नहीं जा सकता है। दुनियावी तालीम, डिग्री, ये सब टाला जा सकता है, दीनी तालीम और तरबियत को टाला नहीं जा सकता है। हम किसको टालते रहते, अभी पढ़ रहा, अभी पढ़ रहा, अभी पढ़ रहा, 10वीं के इम्तिहान है, 12वीं के हैं, ग्रेजुएशन हो रहा, उसके बाद पढ़ता नहीं, पढ़ाता हो वो सब बाजुरों को तुम्हारा, मैं जो बोल रहा सुनो, दुनिया के साथ चलो, नए दौर के हिसाब से चलो, आलिमों को भी ऐसा बनना मांगता, वो अब सबको सुधारने निकलता हो, वो सारी दुनिया को दुनिया के जैसा बनाना चाहता है, वो दीनदारों को भी दुनियादार बनाना चाहता है, इस्लाम में रिफॉर्मेशन लाना चाहता, मुसलमानों में नहीं, वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता, इस्लाम में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको फिलोसोफर बना दिया एकदम, अब वो खुद नहीं सुधरेगा, अब वो इस्लाम को सुधारेगा। कितने लोग मुर्तद हो जाते हैं, कितने लोग मुर्तद हो जाते हैं, कितनी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करके घर छोड़ के भाग जाती, फिर फोन करते क्या करना आलिम साहब, ऐसा ऐसा हुआ हमारी बच्ची, देखिए पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते चली गई, घर छोड़ के भाग गई, चिट्ठी देके गई, या है घर में सुनती ही नहीं हमारा, वो बोलती मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी, फांसी लेके मर जाऊंगी, क्या करना आप बताइए, पहले शादी करा के उसको बाद में कलमा पढ़ाए तो चलता क्या है? उनको बोलना पड़ता, आलिम साहब बोलते पहले तुम पढ़ो, उसको बाद में पढ़ाओ, पहले अभी तुम पढ़ो कलमा पढ़े, ये माँ बाप है ऐसे हाल, एक नहीं हमको कईयों फोन आते इस तरह से कि बच्ची ऐसी थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, हम समझते थे दीनदार हैं, लेकिन आज उसका हाल ऐसा हो गया, इस्लाम के बारे में उसकी ये मामलात है, कॉलेज में ऐसा मामला उसका चल रहा है, जॉब करने के लिए लगी, हम सोच रहे थे कि पढ़ लिख के कुछ बने, कल को तलाक हो तो अपने पांव पे खड़ी हो, इसको तो हम पांव पे खड़ा करना चाहते थे, तो पर वाली हो गई, ये दौड़ रही नहीं है तो उड़ गई, चली गई। कितने केसेस ऐसे आते हैं, ये बहुत अफसोस की चीज है। अल्लाह ताला समझ दे माँ बाप को, दुनिया हमारे दिमाग में जो बैठी हुई है ना, इसने हम लोगों को बिगाड़ दिया है। आखिरत अगर बैठी होती ना तो सब सही हो जाता है, दुनिया माँ बाप बच्ची को पढ़ा रहे भी क्यों, नीयत की कितनी खबीस नीयत है कि जब ये शादी करके जाएगी तो शोहर पे डिपेंडेंट ना रहे, कल को शोहर अगर तलाक दे दे तो फिर खुद से कमा के खाए, कितना दूर बुरा बुरा सोच रहा है। अल्लाह से अच्छा गुमान रख, बुरा गुमान, बुरा गुमान, अच्छा गुमान रखे इंसान। तो हमारी नीयतें ऐसी हैं,
तो ये सोच हमारी अगर होगी तो कौम क्यों नहीं बिगड़ेगी, औलाद क्यों नहीं बिगड़ेगी। हम पहले से उसके बारे में ऐसा सोच रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसे ही होता। फिर तो ये हदीस बताती है कि कुरान का इल्म औलाद को देने से कयामत के दिन वालिदैन को अल्लाह ताला इज्जत वाला लिबास देगा। लिबास देना एक इज्जत की अलामत है। आज भी देखिए आप लिबास देते हैं इज्जत के तौर पर, शाल उड़ा रहे, उसको कुछ कुर्ता दे रहे, कुछ लिबास दे रहे, वो एक एहतराम होता है, पगड़ी बांधते हैं, इज्जत होती है वो। अल्लाह ताला की तरफ से ये उसके लिए क्या होगा, आखिरत में एक इनाम होगा। तेरा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तूने औलाद को कुरान वाला बनाया, उसको अल्लाह इज्जत वाला लिबास देगा। ऐसा लिबास कि दुनिया उसके सामने बेकीमत है, क्योंकि तूने दुनिया को नहीं अपने लिए मकसूद बनाया, कुरान दीन को मकसूद बनाया। आज तू इस लायक है कि दुनिया से बढ़ के तुझको लिबास हम देंगे, इतना अच्छा लिबास देंगे तुझको। पूरी दुनिया उसके सामने कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया की कीमत भी नहीं हो सकती, उससे आला लिबास देंगे, तो इज्जत वाला लिबास। वहां इज्जत अगर चाहिए, यहां दीन को इज्जत देनी पड़ेगी। दीन को सेकेंडरी नॉलेज नहीं बनाना है, प्राइमरी बनाना है उसको। दीन प्राइमरी, हम क्या बनाते उसको, सेकेंडरी। टाइम बचा तो दीन, नहीं तो नहीं। दीन असल है, दुनिया बाद में, याद रखें इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यजीउल कुरान यौमल कियामति फयकूल या रब्बी हल्लीही फयल्बसु ताजल कराम। कियामत के दिन कुरान आएगा और अल्लाह ताला से कहेगा, ए रब, ए रब, ए मेरे रब, हल्लीही, इसको लिबास पहना। किसको? कुरान पढ़ने वाले को। फयल्बसु ताजल कराम, उसे इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। माँ बाप को तो मिला, इसको भी मिलने वाला है जो पढ़ा। सुम्मा यकूलु या रब्बी जिद हो, फिर कहेगा, ए रब, इसको और ज्यादा दे। फयल्बसु हुल्लतल करामा, उसे करामत का लिबास पहनाया जाएगा। लिबास जोड़ा, ताज पहनाया गया, उसी के साथ उसको इज्जत और शर्फ वाला लिबास पहनाया गया। सुम्मा यकूलु या रब्बी इर्ज़ा अन्हु, फिर कुरान कहेगा, ए मेरे रब, इससे राजी हो जा। कुरान से मुराद यहां कुरान का सवाब और कुरान के पढ़ने वाला अमल का अंजाम है। कुरान मखलूक नहीं है, ये सवाब है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने बात कही कि इससे मुराद क्या है, सवाब है। इसलिए कि दुनिया में जो अमल आदमी करता है वो अमल उसकी कब्र में, आखरत में उसका अजर उसके सामने आएगा। जैसे अगर जकात नहीं देता था वो माल क्या होगा, सांप बन के उसको डसेगा। तो इस तरह से जो भी आमाल हैं, कब्र में भी उसका अमल उसके सामने आता है कि मैं तेरा अमल हूं, खूबसूरत तो खूबसूरत, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, तो उसको वो शक्ल में आता है और बात करता है। ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه, कहेगा, ए मेरे रब, इससे राजी हो जा, तो अल्लाह उससे राजी होगा। فيقال له اقرا ورقه وتزاد بكل ايه حسنه, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, पढ़ और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, और तेरे लिए हर आयत के बदले एक नेकी है, हर आयत के बदले एक नेकी है। इस हदीस को इमाम तिर्मिदी और हाकिम ने रिवायत किया है, सैयल जामे सगीर हदीस नंबर 8030, हदीस हसन है। इब्न माजा के अल्फाज हैं, युकालु लिसाहिबिल कुरान इदा दखल अल जन्नत, कुरान वाला, कुरान पढ़ने वाला, सीखने वाला, याद करने वाला, उसका एहतमाम करने वाला जब जन्नत में जाएगा तो उससे कहा जाएगा, इकरा वस्तअद, कुरान पढ़ और जन्नत के दर्जात, जन्नत की सीढ़ियां चढ़। फयकरा वयस्तअद बिकुल्ली आयतिन दरजा, वो एक एक आयत पढ़ता जाएगा और एक एक आयत के बदले एक एक दर्जा उसका ऊंचा होता जाएगा। हत्ता यकरा आखिर शैई माहू, यहां तक कि वो आखिरी चीज, आखिरी आयत कुरान की जितनी उसके साथ थी उतनी पढ़ ले, वहां तक दर्जात उसके होंगे। ये वो आदमी जो कुरान के साथ जुड़ा रहा, जिसका खास मामला कुरान के साथ था, कुरान वाला था ये, तो उसके लिए आखिरत में ये, उसको भी और उसके माँ बाप को भी लिबास, ताज और इतना ऊंचा मकाम, दर्जात उसको जन्नत के मिलेंगे। इस हदीस को इमाम अहमद और इब्न माजा ने रिवायत किया है, सैल जाम सगीर हदीस नंबर 8021, और हदीस सही है। तो ये कुरान का इल्म है। हमारे घरों में देखिए कुरान पढ़ना कितनों को आता है, समझना तो बहुत दूर की बात है, और उसके बाद अमल है।
कुरान पढ़ना तजवीद से कितनों को आता है? किसी आदमी को बोलो जरा आप इमामत करो, मैं नहीं करता। इमाम बनो, क्यों? बोले पढ़ने नहीं आता कुरान, बहुत गलतियां होती हैं। तो इतने दिन से अकेला पढ़ रहा, उसमें शर्म नहीं आई इसकी? तो लोगों के सामने पढ़ने से शर्मा रहा, अल्लाह के सामने अकेले में भी तो शर्माना चाहिए था ना। लोगों को मालूम पड़ जाएगा पढ़ना नहीं आता इसलिए शर्मा रहा है, लेकिन अल्लाह के सामने तो पढ़ रहा ना, उससे कभी नहीं शर्माया कि अल्लाह के कलाम को इतने बिगड़े हुए अंदाज में पढ़ रहा है। कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझको अल्लाह का कलाम सही पढ़ना चाहिए? सोचिए, अपने कुरान को सही से सीखे, सही पढ़े, अपनी औलाद को सही पढ़ाए और उसका एहतमाम करें। खैर, नंबर 9, औलाद की सही तरबियत जहन्नम से हिफाजत है, खास करके बच्चियां, बेटियां। बेटी बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है। बेटी हुई तो क्या होता? चेहरा, और दूसरी हुई तो हाँ लाइट ही चली जाती उसकी। हमने देखा है दवाखानों में, जब बेटा होता है तो मेन जो दाइयां जो भी नर्सेस होती हैं उनमें आपस में इख्तलाफ होता है, कौन लेके जाएगा बाप के पास, क्योंकि इनाम मिलने वाला है। बेटी हुई तो भी इख्तलाफ होता, कौन लेके जाएगा? कोई भी तैयार नहीं होता ले जाने के लिए कि ये बुरी खबर लेके मैं क्यों जाऊं। सोचिए, हमारा माशरा ऐसा बन चुका है। और उस औरत के साथ भी क्या होता है, एक बेटी। अब मान लीजिए किसी को पूछेंगे कि क्या हुआ, बेटी हुई, उसके बाद क्या हुआ, बेटी बेटी, यानी वो इंसान। और कोई आदमी कहे कि मेरी 3 बेटियां हैं तो वो तो बोलते 3, यानी उसके ऊपर रहम आता लोगों को। 3 बेटियां का मतलब गया काम से, ये तो गया खत्म, इससे ज्यादा मजलूम कोई नहीं, सब उसको देखते 3 बेटियां हैं, उसके साथ में रहम करते लोग। 3 बेटियां कितनी कीमती हैं, वो तकदीर वाला आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी हैं। 3 बेटियां बहुत बहुत कीमती चीज है, नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इब्तुलिया मिनल बनाति बिशै, जो इंसान बेटियों के जरिए, बनात 1, 2, 3 के लिए आता है, अरबी जुबान के एतबार से प्लूरल के लिए आता है, वो जो 2 से ज्यादा होता है, मन इब्तुलिया, जिसको आजमाया गया, डेफिनेटली उसका इम्तहान है, जिसको बेटियां हुई, ये बहुत टॉप लेवल के, हाई लेवल के एग्जाम में गया हुआ। मन इब्तुलिया मिनल बनाति बिशै, इन बेटियों के जरिए से जिस इंसान को आजमाया गया, फअहसना इलैहिन, तो उसने उन बेटियों के साथ में एहसान का सलूक किया, अच्छा सलूक किया। फअहसना इलैहिन कुन लहू सितरम मिनन नार, ये बेटियां उसके लिए जहन्नम की आग से आड़ बन जाएंगी, रुकावट बन जाएंगी। बेटियां क्या है? जहन्नम की आग से रुकावट है, इनकी वजह से वो जहन्नम की आग से बचेगा। कौन? जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत की, उनके साथ अच्छा सलूक किया, धुतकारा नहीं, धुतकारा नहीं, उनको देख के नहीं बोला तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद खराब हो गई, तेरा बच्चियों के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि एक बच्ची है, उसकी निकाह की भागदौड़ जब देखती है दूसरी बच्चियां, तो उन्हें अफसोस होता है कि अब इनके बाद हमारा भी तो नंबर है। तो बाप को फिर से एक सदमा होने वाला है, एक बेटी के लिए देखो कितना उसको करना पड़ रहा है, दहेज से लेके सारी चीजें। ये जो हमारे समाज का फसाद और बिगाड़ और बीमारी है, इसकी वजह से बच्चियों की जिंदगी खराब होती है। दूसरी बेटियां क्या सोचती मालूम? बोलती बाप को हम तकलीफ नहीं देंगे, हम लोग ही कोई कोर्स वोर्स करके जॉब पे लग जाएंगे, हमारी शादी का खर्चा हम खुद ही उठा लेंगे। और बहुत सारी बच्चियां तो फिर उस माहौल में जाने के बाद बाप को दूल्हा चुनने की तकलीफ भी नहीं देती, ये भी टेंशन नहीं चाहिए, ये भी टेंशन मैं ले लेती हूं, निकाह का खर्चा से लेके शोहर का इंतखाब वो भी मैं कर लूंगी, क्योंकि माहौल ही वैसा है। वो थी अच्छी बच्ची, वो बिगड़ी हुई नहीं थी, वो अच्छी थी, लेकिन
हमारे माशरे की इस गंदगी की वजह से मजबूरन वो ऐसे माहौल में गई और वहां जाने की वजह से उसका जहन बिगड़ा। एक दिन दो दिन सालों साल उस माहौल में रही, जाहिर बात है मर्दों से मिलना जुलना प्यार मोहब्बत के मामलात पैदा हुए, फिर कभी वो मुसलमान होगा कभी नहीं भी होगा। कैंटीन में मिल रहे हैं, कभी बाइक पे डबल सीट छोड़ रहा है, कभी कुछ और, कभी पिकनिक पे चले गए, कभी ऑफिस की मीटिंग थी, कभी ऑफिस का की पार्टी थी। होते 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 इसके अंदर से भी थोड़ा मामला ढीला हुआ। पहले हिजाब के साथ थी, फिर चेहरा खुला, उसके बाद में सोची कि दिल में पर्दा है ना, चलो क्या होता, तो पर्दा भी छोड़ दी। और उसके बाद उसके साथ उसके रंग में रंग गई, वो मुसलमान भी नहीं था। फिर उसके बाद सोची कि हो सकता है ये तो अपने दिन पे रह, मैं अपने दिन पे रहती हूँ, उस माहौल में चली गई। कई बच्चियां ऐसी होती हैं, दहेज की रस्म को खत्म करना चाहिए और निकाह को आसान करना चाहिए। निकाह खर्चे वाला नहीं हो, सादा सीधा निकाह हो, ये लड़के वालों का काम है। लड़के वाले डाकू नहीं होना चाहिए। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो हम मना भी नहीं करेंगे, लाओ ट्रक भर के। जरूरत क्या है आपको? भीख मांगने का ये सोफिस्टिकेटेड तरीका है। आप ऐसा बोलो, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, आप अपनी बेटी दे रहे, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे परवरिश करके, इससे ज्यादा आप क्या दे सकते हैं? आप और दे के हमको शर्मिंदा मत करो, हमारी समाज में नाक कट जाएगी अगर हम आपसे कुछ लेंगे तो। हमारी आप अपनी इज्जत का ख्याल रख रहे ना, हमारी इज्जत का आपको ख्याल नहीं क्या? मत दो हमको कुछ भी, पर डट के बोलता नहीं ऐसा, क्यों? सचमुच मान लिए तो मेरी बात। हाँ, अगर लड़की वाले, अच्छा ठीक है आप बोले इसलिए ठीक है, आपकी भी इज्जत हमारी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, बोला कि नहीं नहीं नहीं, बोलने का मतलब वो नहीं है। देना चाहे हम आपको, आपका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते, देना चाहे दे सकते आप, तो बोलता बोलना क्या चाह रहे आप भाई, हाँ भी बोलते ना भी बोलते, साफ चुपते नहीं, सामने आते भी नहीं, क्या ये मामला? ये हमारा समाज है, हमारे अंदर चोर है। डट के बोले नहीं का मतलब नहीं, दूल्हा भी बोले अगर दिए तो मैं जा रहा भाग के, कहीं चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा शादी में, ऐसा रहा अगर मामला तो। अब दूल्हा भी कहता मैं तो लेना नहीं चाहता था, ये भी है, ये भी निकम्मा है, मैं तो लेना नहीं चाहता था लेकिन माँ बाप जिद कर रहे हैं, तो शेख लिए तो कोई गुनाह तो नहीं है ना, मेरी तरफ से तो बात नहीं है, उन्होंने ऐसा किया, अगर मैं कुछ करूंगा हमारे घर में इख्तलाफ हो जाएगा। मौलवी साहब बोलते काय को मैं इख्तलाफ करूं, मेरा नाम क्यों बदनाम करता हूं? देखो अगर फितना नहीं होता हो तो ले सकते हैं, अगर उनपे दबाव नहीं तो फिर मैं क्या कहूं? मौलवी साहब बोले चलता नहीं का मतलब नहीं। कई बच्चियां घरों में बैठी हुई दीनदार इज्जतदार खूबसूरत खूबसीरत, सिर्फ ये पैसों की वजह से उनका निकाह वक्त पे नहीं होता। माँ बाप परेशान हो जाते, बीमारियां लगा लेते, कितनी सारी, दिल की बीमारी, फेफड़े की और किडनी की। आप क्यों ऐसा करना चाहते? क्या इस समाज की पकड़ नहीं होगी? अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? अल्लाह ताला से दुआ करें हमारा माशरा ऐसा हो जाए, दहेज लेने को हम लोग जिल्लत समझें, दहेज लेने को हम लोग जिल्लत समझ, बरहना होने जैसा समझे चौराहे पर, ऐसा हम समझने लगेंगे तब जाकर वो खत्म होगा, हमारी इज्जत जाएगी ऐसा समझना हम लोग। तो जो अपनी बच्चियों की सही तरबियत करे, कयामत के दिन वो उनके लिए जहन्नम से बचाव बनेगी। इमाम अल बुखारी ने सही बुखारी में किताबुल अदब में हदीस नंबर 5995 और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने इसको हदीस नंबर 2629 पर रिवायत किया है। तो इससे मालूम होता है कि बच्चियां हमारे लिए जहन्नम से बचाव का जरिया हैं। ये नहीं तो हम कैसा बचेंगे जहन्नम से? तो बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो इजी इजी है, काफिर भी पालता ना बच्चियों को, आप देखिए एक गैर मुस्लिम भी पालता, जानवर अपने बच्चों को पालते हैं कि नहीं पालते, संभालते कि नहीं, चिड़िया से लेके कुत्ते बिल्ली भी पाल लेते हैं। लेकिन एक इंसान अल्लाह की खातिर दीनी तरबियत के साथ और खुशी के साथ अल्लाह से राजी रहकर अल्लाह से सवाब की उम्मीद के साथ अपनी बच्चियों की परवरिश करें, ये उसके लिए आखिरत का बहुत बड़ा, यानी आखिरत के एतबार से बहुत बड़ा खैर का जरिया है, जहन्नम से बचाव है।
तो बच्चियों को बोझ नहीं समझे, बच्चियों को बोझ नहीं समझे। आदमी खुशी खुशी बोलना, तीन तीन बेटे हैं कि तुम्हारे पास, ऐसा बोलना आदमी। दूसरों को ऐसा बोलना, मेरी तीन तीन बेटियां हैं, कोई बस्ती में ऐसा माइकल लाल जिसके पास तीन बच्चियां हो, तीन तीन बच्चियां मेरी और तीनों बच्चियां दीनदार हैं, क्या खुशकिस्मत इंसान है। क्योंकि उसकी नस्ल जो चलेगी आगे सारा इसके नाम आमाल में रहेगा कि उन बच्चियों ने अपनी औलाद की सही तरबियत की, घरों में गई, घर बसाए, सबको खुश रखा, सास ससुर शोहर और भाई बहन सब जितने, बच्चों की तरबियत कितनी कीमती चीज है। एक नस्ल अच्छी बनी उसकी वजह से, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी तरह से इससे बढ़ के और एक इनाम क्या, सिर्फ जहन्नम से नजात नहीं, बल्कि इससे बड़ी बात है जो बेटों के बारे में नहीं बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटियों के बारे में बोले क्या है। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला कहते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तवलुगा, जिसने दो बच्चियों की परवरिश की, किफालत की, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बालिग हो गई, बचपन से लेके पाल पोस के उनको बड़ा किया, यहां तक कि वो बालिग हो गई, जा यौम अल कियामति अना वहुआ वदम असाबियहु, कहा कि वो कयामत के दिन, कयामत के दिन मैं और वो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, एकदम करीब करीब है। कयामत के दिन वो इंसान जिसने अपनी दो बेटियों की परवरिश अच्छे से की बालिग होने तक, तो कयामत के दिन मैं और वो इस तरह से करीब होंगे, उंगलियां आपने दम की या दो उंगलियों को आपने इस तरह से किया कि एकदम करीब, साथ साथ, नजदीक नजदीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी उस इंसान को जो दो बेटियों की अच्छे से परवरिश करे। और क्या चाहिए, उस दिन इतनी भीड़ में, इतनी मुश्किल हालत में, धूप में, गर्मी में, परेशानी में, प्यास के आलम में, जब रिश्तेदार भी एक दूसरे से भागेंगे, उस इंसान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक होने का मौका मिलेगा। ये कितना बड़ा शर्फ है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का शर्फ कि मैं और वो कयामत के दिन ऐसे होंगे नजदीक, जैसे उंगलियां करीब होती हैं, बीच में कुछ भी नहीं, कोई हायल दरमियान में नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई दूरी नहीं, ऐसे हम होंगे। कौन, कहने की क्या, उसने दो बच्चियों की परवरिश की, दो बच्चियों को पाल पोस के बड़ा किया, खाली खिलाया पिलाया नहीं, आला किफालत करने में सब आता है, खिलाना पिलाना पहनाना, उसकी इलाज करना और उसको दीन सिखाना, उसको एजुकेशन जो उसके लिए जरूरी है देना, वो सारी चीजें उसने की। तो कयामत के दिन क्या होगा, मैं और वो करीब करीब होंगे, ऐसे जैसे उंगलियां करीब होती हैं। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। अब वो लोग सोच रहे हैं हमको तो बेटी नहीं, ऐसा माशरा हमारा हो कि जिसको बेटी नहीं वो अफसोस करे कि काश कि मेरे पास बेटी होती है। और आप देखें जो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, यह बोली मई यशा उ इनाथन व यह बोली मई यशा उ दुकोर, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जो चाहता है, यहबु वहबा हिबतन, हिबा जो है वहबन, वहब कहते हैं अतिया देने को, गिफ्ट देने को, हिबा उसको कहते हैं गिफ्ट देना। अल्लाह ताला तोहफे के तौर पर जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है। तोहफे में पहले नाम किसका आया, सोचे आप, पहले अल्लाह ने जिक्र किसका किया, बेटियों का। ये आला गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने उसको पहले जिक्र किया। इसलिए बाद सलफ कहते हैं कि ये औरत की बरकत की अलामात में से है कि अल्लाह ताला उसको बेटे से पहले बेटी दे। हमारे यहां उल्टा है ना, सबसे पहले सास बेटी हुई, पूछने वाले भी पूछते क्या हुआ, तो अल्लाह सबर करेंगे, अब क्या बेटी हुई, चाहते तो बेटा हो, हाँ पोता मिले, पोती आ गई, पोता चाहिए था उनको। तो इस तरह से हमारे अफसोस किया जाता है, नहीं, अल्लाह ने पहले किसका जिक्र किया, यह अगर औरतें नहीं होती तो अम्मा कहां से होती, तू कहां से आता, भाई औरत ही नहीं पैदा होती तो मां होती ही नहीं, पेट में किसके आया तू, आदमी के आया,
हाँ जेंटलमैन क्या है पेट में, किसके पेट में से निकला तू, मर्द के क्या औरत के? अब तो आज तो बोल नहीं सकते भाई, लेकिन आम तौर से तो क्या है, औरत के ही पेट में होता ना बच्चा। तो अगर औरतें ही नहीं होती, बेटियां ही नहीं होती लोगों को, तो तू कहां से आता? तू भी तो बेटी के पेट में से, किसी की बेटी थी ना, तो बेटियों की दुआ, अल्लाह बेटी ना हो किसी को, ऐसा दुआ करा बेवकूफ, तो दुनिया में लोगों की इन्हें पैदाइश ही नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निजाम बना, कैसा निजाम है देखिए अल्लाह का, बराबर बेटे बेटियां। कभी कोई जमाने में ऐसा हुआ कि इस जमाने में सिर्फ मर्द रह गए औरतें खत्म हो गई, ऐसा हुआ कभी? ये अल्लाह के होने की अलामत में से है, निशानी है कि पहले जमाने में औरतें हुआ करती थी, अभी सिर्फ आदमी आ रहे, ऐसा होता? बराबर अल्लाह ताला बेटे बेटियां बेटे बेटियां बराबर अल्लाह डालते रहता, कम ज्यादा होते रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने बराबर निजाम रखा है। तो ये अल्लाह की हिकमत में से एक हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आला जारियतैन दखलतु अना वहुवा अलजन्नत कहातैन व अशारा बिउस्बअैही। आपने कहा कि जो दो बच्चियों की परवरिश करें, मैं और वो जन्नत में इस तरह जाएंगे, और आपने इस तरह से दो उंगलियां करके बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जो बच्चियों की परवरिश करता है वो जन्नत में जाएगा। लिहाजा बेटियों को सीने से लगाएं, उनकी कदर करें। एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था, बेटा आया प्यार किया गोद में बिठाया, बेटी आई न प्यार किया और न गोद में बिठाया बाजू बिठाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल अदल था बैनहुमा, दोनों के बीच में तूने अदल क्यों नहीं किया? मालूम हुआ कि सिर्फ खाने पीने पहनाने में अदल नहीं, सुलूक में भी अदल होता है, ट्रीटमेंट में भी इंसाफ होता है। बच्चों के साथ सुलूक में अदल करना चाहिए। आपको लगता वो ध्यान नहीं दे रहे, आप नादान हैं, बच्चे ध्यान देते हैं, फील करते हैं। एक बच्चे को आप प्यार करो, दूसरा देखता दूर से ऐसा, हाँ आप उसको भी बुलाओ, आप उसको भी प्यार करो। एक को बोले ये मेरा राजा बेटा है, और वो बच्ची देख रही, मैं क्या हूं फकीर, मैं कौन हूं? राजा बेटा है, राजा बेटा बहुत तकलीफ देने वाला है, आपको नहीं मालूम? उसको आप राजा बनाए, आपको प्रजा ही बनाएगा वो। हाँ बेटी को भी प्यार कीजिए। तो बच्चों के साथ में अदल इंसाफ करना, सुलूक करना, बच्चियों के साथ अच्छा सुलूक करना, कयामत के दिन आप फरमाते मैं और वो जन्नत में जाएंगी, इस तरह से जैसे उंगलियां होती हैं। इमाम तिर्मिजी ने इसको रिवायत किया, हदीस नंबर 1914 हदीस सही है। तो ये बच्चों की तरबियत से मुतालिक या उनके साथ सुलूक से मुतालिक बातें हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ में अच्छा सुलूक करें, एक दो बच्चों को दीन की तालीम दें, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। एक उनकी जरूरतें पूरी करना, खाना पीना लिबास, फिर उनके साथ अच्छा सुलूक करना, उनको वक्त देना, उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करना, उनके मसाइल सुनना, उनको हल देना, उनको झिड़कना नहीं, उनको डांट डपट बेवजह करना नहीं, अपनी बॉसिंग उनके ऊपर नहीं जताना, ऑफिस का गुस्सा बीवी का गुस्सा नहीं, बल्कि उनके साथ शफकत से पेश आना, उनको सिखाना, उनको अदब सिखाना, उनको दीन सिखाना, और उनको करीब करना, शफकत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे पीठ पे सवार हो गए, आप सज्दे से नहीं उठे, गिर जाएगा बच्चा अगर उठेंगे तो आप सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों से कितनी शफकत का सुलूक किया। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम क्या समझते हैं, डांट डपट करना तरबियत है, कभी कभी वो भी जरूरी है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। खाम खा की डांट डपट से बच्चे बागी बनते हैं, क्योंकि वो उसको अलग इंटरप्रेट करते हैं, माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते, क्यों? हमेशा मुझको डांटते रहते हैं। तो वो उसको, आप क्या सोच के कर रहे हैं, आप उसको बताएं। आप ये सोच रहे अच्छा इंसान बनना, गलत नहीं बनना करके आप कर रहे, लेकिन वो ये सोच रहा ये मेरे को हमेशा डांटते रहते, हमेशा गलत बोलते रहते, हमेशा गलती पर तंबी करते रहते, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, इसीलिए तो माँ बाप डांटते हैं, अब्बू डांटते हैं मुझको, और वो मुझको पसंद नहीं करते। वो आपकी बात का क्या मतलब ले रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि आप क्या कर रहे हैं। उसका परसेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अमल से।
इसलिए बहुत सारे बच्चे या तो माँ बाप से नफरत करते हैं या तो अपने आप से नफरत करते हैं माँ बाप के बुरे सुलूक की वजह से। अच्छा सुलूक उनसे कीजिए, लाड़ में बिगाड़िए भी मत और डिसिप्लिन के नाम पर उनके ऊपर जुल्म भी मत कीजिए, दोनों के बीच में चलिए। शफकत और तादीब दोनों जमा करना ये बहुत जरूरी है। तो ये अगर हम करते हैं तो आखिरत में हमारे लिए कितने बड़े इनामात हैं और दुनिया में भी हमारे लिए खैर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों को दीन सिखाने के एतबार से हमको कैसे उनको दीन सिखाना चाहिए, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, जो मैंने बात कही वो एक बहुत अहम चीज ये है कि बच्चों को बचपन से सही सुलूक माँ बाप का नहीं मिलता। ये एक बड़ा इशू है इस दौर का। इसकी वजह से बच्चे ड्रग एडिक्ट बन जाते बाज़ औक़ात, बीवी शौहर के झगड़ों की वजह से या सख्ती की वजह से, या बागी बनते हैं। घर में तो शरीफ रहते हैं लेकिन बाहर जाने के बाद वो सब कुछ करते जो उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनके जहन में बगावत होती है, जो जो तुम गलत समझते हो मैं सब करूंगा। वो गुस्सा बाहर निकालता, वो गुस्सा कहां निकालता? बाहर जाके वो सब उल्टा करता जो बाप बोलता था। क्यों? इसलिए कि बाप के बुरे सुलूक की वजह से वो बाप से नफरत करता है। तो वो जो सुलूक, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना, उनकी बात को सुनना, उनकी शिकायत को भी सुनना। बच्चा अगर माँ बाप से शिकायत करे किसी बात की, वो किससे करेगा शिकायत? अगर बच्चे ने बोल दिया आप उसको ही प्यार करते हैं, मुझको प्यार नहीं करते, तो आपके लिए ईगो का प्रॉब्लम हो गया। अब मतलब आप क्या हो गए, गलत प्रूव हो रहे अब। तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते सिवाय बजाय इसके कि आप ये देखते कि इसको ऐसा फील हो रहा। देखिए दो रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी बात है, अभी इसको किसी और दर्श में भी हम डील करेंगे, लेकिन चूंकि बात आई है इसलिए एक बड़ा मसला है। मान लीजिए घर के अंदर आप किसी बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स लेता या छोटा है, प्यार कर रहे आप उससे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो देखता मेरा कंपटीटर आ गया, पहले तो मैं अकेला था, राज दुलारा था, अब धुतकारा हुआ मैं बना हुआ हूं, अब मैं मुझसे ज्यादा ये प्यारा है, ये जाकर कुछ छेड़ता है उसको, क्योंकि इसके अंदर जेलसी होती है। मैं अकेला था, मैं प्यारा था, अब अम्मा उसको दूध पिला रही, उसी को देख रही, मैं करीब गया तो हट जा बाजू को, हट जा बाजू को बोलती है मुझको छूने। माँ डरती है कि ये खींचेगा, झूले में था मैं उसको खींच रहा था, झूला जोर से कर रहा था, माँ ने खींच के मारा मुझको, तो मतलब मैं बुरा हूं और मुझसे ज्यादा ये अच्छा है। वो अंदर क्या प्रोसेस कर रहा आपको तो नहीं मालूम। फिर धीरे धीरे बड़ा बनता है, बड़ा होता है तो इसके अंदर शरारतें बढ़ती जाती है, वो अटेंशन पाने के लिए गलतियां करता है कि मेरी तरफ मुतवज्जा हो, कुछ भी फोड़ेगा ग्लास जानबूझ के ताकि इसकी तरफ देखें। वो क्राई फॉर हेल्प होता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या उसके दिमाग से कुछ भी उल्टा करता हो, उस पर और धुलाई होती उसकी, काउंटर प्रोडक्टिव, उल्टा होता उसके ऊपर, उसके अंदर ही पैदा होता कि मेरा मतलब मेरा जमाना गया, मेरा दौर चला गया। तो उससे बच्चे से दूसरे से भी नफरत होती है और उसके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। फिर कभी मान लीजिए उसने शिकायत की, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ आप अच्छा सुलूक नहीं करते, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता, वो कोई बहुत फसीह तो नहीं है, बहुत अच्छी जुबान में बोलने वाला, वो अपनी जुबान में बोलता, ग्रामर की भी गलती रहती है और सिंटैक्स भी गलत रहता उसका। अब माँ बाप, बाप मसलन खास करके बाप, उसको उसकी ईगो हर्ट होती है क्योंकि उसके जहन में अपना इमेज ऐसा होता है कि मैं सब ठीक ठाक जिधर का उधर करता हूं, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा, ये केस कर रहा मेरे खिलाफ, तो वो और पिटाई उसकी करता, ऐसा बोलता मैं नाइंसा भी करता तुम लोगों में, मैं प्यार नहीं करता, ये सब किसके लिए किया मैं, सब वो गिनाता उसमें, और ज्यादा ताल्लुकात खराब होते हैं। तूने सुना नहीं वो क्या बोलना चाह रहा, उसकी बजाय अगर वो ऐसा करता, इतना उसको सीने से लगा है, कौन बोला तेरे को मैं प्यार नहीं करता तेरे से, कभी कभी मैं गुस्से में रहता डांटता, बेटे तेरे अच्छे के लिए करता, मैं बहुत प्यार करता तेरे से, ऐसा लगता तेरे को मैं प्यार नहीं करता, नहीं 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 तेरे को गलत लगता, ऐसा नहीं है, मैं बहुत प्यार करता, चल बाहर जाएंगे अपन, ये नहीं कर सकता था, कर सकता था,
लेकिन वो क्या करता, अपने आप को बेगुनाह प्रूव करने की कोशिश में और दूर करता और उसको बोलता तू गलत है। फिर वो क्या करता, तू ऐसा किया, तू ऐसा किया, तू ऐसा किया, इस वजह से मैंने किया, तो उसको गिल्टी फील करने लगाता और ज्यादा प्रूव करता तू गलत मैं गलत नहीं, और रिलेशनशिप खराब होती है। बजाय इसके उसके उसके एतराज से डील करने की बजाय उसके मिसकंसेप्शन और उसके इमोशन से डील करे तो कितना अच्छा होता। वो देखता कि मेरे बच्चे को दुख हो रहा और वो ये समझ रहा कि मैं उसको प्यार नहीं करता, उसको करीब करके दो मिनट में प्यार कर लेता, उसका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता ना। उसको यकीन दिलाता बेटे मैं कभी तेरे से प्यार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, तू भी मेरा उतनी औलाद है जितना ये है, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हैं, ऐसे कभी गलत फहमी में मत रहना, चल अब तू बाहर जाएंगे, अपन बाहर जाके आएंगे, उसको आइसक्रीम खिलाया, जो भी उसकी पसंद की चीज खिलाया उसको, चल अबू भी मुझसे प्यार करते, मैं बेवकूफ हूं जो ऐसा समझ रहा था, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते, नहीं कर पाते, हम और डांट डपट करके और औलाद को दूर करते। तो ये बात याद रखें, बहुत सारी फैमिलीज में बच्चे शराब, जुआ, बेहयाई और गुंडागर्दी या इस तरह की जितनी चीजों में मुबतला होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की बेढंगेपन का उसमें दखल होता है, उनका वो डील नहीं कर, माँ बाप मोहब्बत करते बताते नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी मोहब्बत कैसी रीत कहां रहती है, पैक करके फिर अंदर, और हम दो बोल अपनी औलाद से मोहब्बत के बोलते। गौर कीजिए, लॉकडाउन में दो साल में थे आप बच्चों के साथ, ठीक है, दो साल में हम में से कितनों ने अपने बच्चे को करीब करके कहा हो बेटे मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता मालूम तेगू, कितनों ने बोले ऐसा, आप सोचिए, हाथ मत उठाओ, वैसे भी बहुत कम उठेंगे मुझको लगता है, बोले तो बोलने की चीज है क्या है, हाँ सोचिए। हमारी औलाद को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो सोचे कि कब बोले थे लास्ट टाइम अब्बू मुझको कि अब्बू मुझसे मोहब्बत करते, अम्मा कब बोली थी मुझसे मोहब्बत करती, कब बोले। हमको वर्बली बोलना जरूरी महसूस नहीं होता, क्यों नहीं बनाए, मना नहीं है, उनको कैसे मालूम पड़ेगा, उन्होंने समझना खुद से, इतने अकलमंद वो बच्चा है, वो उसको बताना पड़ता सब कुछ, हम नहीं बताते और वो हमेशा प्यासे रहते हैं उसके लिए, उनको जरूरत रहती है उसकी, उनको करीब करके मोहब्बत देने की जरूरत रहती है। हत्ता के बड़े बच्चे भी, खास तौर से जब बड़े होने लगते हैं तब तो फिर तो गोया के मना हो जाता हूं, तो बड़े बच्चे को बोलने का कि मैं प्यार करता था, क्या भी समझेगा उन, हाँ ठीक है, बच्चियां बड़ी होती हैं, बाप उनको ज्यादा लिपटा करीब नहीं कर पाता है, अपनी जगह बात ठीक है, एक किस्म का हिजाब भी आ जाता है, बच्चियां भी शर्माती हैं, सब चीजें ठीक है, लेकिन एक इंसान सलीके से, अदब से, वकार से अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी औलाद के सामने, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत मोहब्बत करता मेरे बच्चों से, नहीं बोल सकता, अच्छा लगता उनको, अच्छा लगता उनको, सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनको होना चाहिए कि हाँ हमको मानते हमारे माँ बाप के हम अच्छे हैं, हमारे को करीब करते, हमको मोहब्बत करते, बिठा के दो मोहब्बत की बातें बोलते हैं, कुछ अच्छा किए तो अप्रिशिएट करते, बुरा किए तो बराबर टोकते, अच्छा किए तो कभी बोलते नहीं, देखो अब मैं घर साफ किया, हाँ तो क्या हुआ, हम जिंदगी भर करते रहे, एक दिन तू करा तो क्या हुआ, ये हमारा हाल है, बताइए, लेकिन कुछ भी इनको करो ना, इनको यानी जिंदगी भर करेंगे तब मरे बाद बोलेंगे, कब बोलेंगे, ये हाल हमारा है। हम सोचते नहीं है हमारा एक रिजेक्शन उसके जहन पर क्या नेगेटिव असर डाल सकता है। अप्रिशिएट करना अपने बच्चों को, बच्चों में ये होता है, अलिफ लिख के वो क्या करता, अब्बू देखो मैं लिखा अलिफ, टेढ़ा अलिफ है, लेकिन लिख के बताया, किस क्यों बताया, हो बताइए क्यों बताया, हो वो इसलिए बताया कि बाप उससे कहे कितना अच्छा लिखा, देखो मेरा बच्चा अलिफ, टेढ़ा अलिफ है लेकिन कितना अच्छा अलिफ है, कितना खूबसूरत दिख रहा है, पहली बार लिखा, देखो ये देखो, इधर आओ किचन में से बीवी को बुलाया, ये देखो अलिफ लिखा है, वो बच्चा देख के खुश हो जाता। अप्रिसिएशन ये बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा एनकरेजमेंट,
बच्चों के बेहतर बनने में बहुत मुफीद होता है। बच्चे हमेशा अप्रिसिएशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, एनकरेजमेंट के लिए भूखे रहते हैं और अच्छे नहीं बन पाते। हम उनको सुधारने के लिए हमेशा उनकी गलतियां बताते रहते और नतीजा ये होता है कि उनके अंदर यानी बिगाड़ पैदा हो जाता है। हम उनके ऊपर लेबल लगाते रहते हैं, हम उनके ऊपर लेबल लगाते हैं। उसने अगर कोई गलती किया तो हम क्या बोलते हैं, बेवकूफ लेबल लगा दिया, नालायक, निकम्मा, एक काम दो तो सही नहीं करता है, कभी सुनता नहीं। तो हमारे स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, एकदम अल्टीमेट, कभी सुनता नहीं। बोलता आज दिन में 5 काम दिए थे, सब किया, छठे पे ये बोल रहे कभी सुनता नहीं। जिंदगी भर का तो छोड़ो, आज मैं इतनी चीजें सुना फिर भी क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो जब किसी इंसान पर जुल्म होता है तो बगावत आती, बागी क्यों है, आपके स्टेटमेंट्स कितने गलत हैं, कभी सुनता नहीं, एक काम सही नहीं करता, एक काम सही नहीं करता। तो हमारा जो बोलना है हम लापरवाही में बोल देते हैं, उसका इफेक्ट उसकी साइकोलॉजी पर क्या हो रहा है हम देखें नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के बारे में हमारा जो सलूक उनसे है एक बार उसको हम रिवाइज करें, एक बार हम देखें मैं कैसा बात करता हूं उनके बारे में, उनसे कैसी बात करता, उनको मैं कितने लेबल्स देता हूं। हम चाहते हैं कि हम बच्चे को क्या कहें, नालायक बोलें, डांट के बोलें, नालायक कहीं का एक काम सही नहीं करता, आइंदा ये होना नहीं चाहिए। हम उसको नालायक बोल बोल के उसको लायक बनाना चाहते, बेवकूफ बोल बोल के समझदार बनाना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन आपकी कंपनी का बॉस आपको ऐसा बोले तो, नालायक एक काम सही नहीं करता, तनख्वाह लेता और काम ढंग का नहीं करता, एक दिन वक्त पे नहीं आता, एक दिन लेट होने पे, आपको कैसा लगेगा? आप अच्छा काम करोगे, आप रास्ता निकालोगे कि ठीक है नहीं करता तो नहीं करूंगा अभी मैं, अब तुम जैसा बोल रहे ना वैसा बन के दिखाऊंगा, क्या फायदा? अच्छा बनने की कोशिश मैं कर रहा हूं, मेरी मदद करने की बजाय तुम हिम्मत तोड़ रहे मेरी, ठीक है मैं ऐसे ही अच्छा फिर नहीं बनना है मुझको। ये बच्चों में होता है, वो रेबेलियन बनते हैं, वो रेबल्स बनते हैं। क्यों? इसलिए कि हम बनाते हैं उनको। अल्लाह हम सबको माफ करे। बच्चों को एनकरेजमेंट होना चाहिए, ठीक है टोकने डांटने के औकात होते ही हैं, लेकिन आदमी उनको अच्छा बनाने की कोशिश करे, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, 8:15 बजे, इसमें एक ये जो जिमनन मैंने बात जिक्र की है ये बहुत मरकजी बात है कि हम देखें उनसे हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, नफरत वाला है, इग्नोर करने वाला है, या उनको बहुत ही बड़ा चढ़ाने वाला है, या उनको हमेशा धुतकारने वाला है। हम उनसे जब बात करते हैं तो हमारे बात करने का अंदाज कैसे होता है? जैसे बच्चा आपके पास आया, अब वो एक बात पूछनी, स्कूल में आज एक चीज हुई, फुलाने मेरी पिटाई की, तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो क्या गलती किया बता पहले, हम उसको ऐसा पूछ रहे हैं, या उसको हम बोल रहे हैं अभी मैं काम कर रहा हूं डिस्टर्ब मत कर। तो इस तरह से जो हमारा मामला बच्चों के साथ होता है, हम चाहते हैं कि वो अच्छे इंसान बने, लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खुद पहले से ब्लेम कर रहे हैं, प्रिजम्पशंस हमारे बच्चों के बारे में, तो ही कुछ गलत किया होगा, क्यों आपको कैसा मालूम, यानी वो सोच रहा है, उसको मैसेज आप ये दे रहे हैं मेरे नजदीक बेसिकली तू बुरा है, दूसरों से ज्यादा तू बुरा है, असल कल्प्रिट हमेशा तू ही होना चाहिए, तू अच्छा नहीं, मैं तेरे बारे में अच्छा नहीं समझता हूं, कुछ बुरा हुआ होगा तो तू ही होगा, मुझको ऐसा लगता है, मतलब बाप का माँ का मेरे बारे में तस्वीर अच्छा नहीं है, ये मैसेज उसको जा रहा है, हिडन मैसेजेस ये। आप सोचिए कितनी गलतियां हम लोग कर रहे हैं, कितनी गलतियां हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों की तालीम में अब हमसे जब कम्युनिकेट करें, उनको दीन सिखाएं। मिसाल के तौर पर क्या होता है, देखिए बाप है या माँ है, अब मौली साहब बोले बच्चों को घर में पढ़ाओ जो हुक्म, गया घर में कायदा लाओ, लाए सामने रखा, बोल अलिफ अलिफ बा बा ता ता ता, फिर वापस से पढ़, बोल ये क्या है, बा। थोड़ा पढ़ाने के बाद जब वो गलत पढ़ता तो हम क्या करते, फिर उसको
उसकी पिटाई करते हैं। कम वक्त कहीं का इतना पढ़ा रहा हूं और पढ़ता नहीं, ध्यान नहीं दे रहा हूं। हम क्या करने लगते हैं, उसकी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, बजाय इसके कि ठीक है बेटा नहीं नहीं आ रहा तेरे को, उसको समझने की कोशिश करो, उसको अंडरस्टैंड करो। हो सकता है उसको सचमुच में नहीं आ रहा, वो जानबूझ के गलत पढ़ रहा हो। अच्छा वो क्या बोलता है, अब वो मेरे को नहीं आ रहा, कैसा नहीं आ रहा, हमारा क्वेश्चन स्टूपिड, बेवकूफ, कैसा नहीं आता तेरे को, बेवकूफ कौन है यहां पर, ये बेवकूफ है, नहीं आ रहा ना, वो नहीं आ रहा बोल रहा, वो सच बोल रहा हो, क्या बोल आ रहा बोलना, नहीं आ रहा बोल रहा, वो मेरे को नहीं याद रह रहा, कैसे याद नहीं रहता तेरे को। अच्छा उत्ते में बीवी बोली, वो दूध लाने बोली थी लाए क्या, अरे याद नहीं रहा मुझको। बच्चा ऊपर से देखता, कई बेवकूफ कैसा याद नहीं रहा। ये हमारा हाल है, हमारा एजुकेशन का तरीका ही बच्चों को गलत है। हम उनसे जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इतना फॉल्टी है वो, इतना गलत तरीका है, और हम उस पर गौर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आईना हम देखना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते, इसलिए कि अपनी सूरत हम देखना उसमें नहीं चाहते, कि हमारे अंदर जोश आता है कुछ पढ़ाऊं बच्चे को, और पढ़ाते फौरन रिजल्ट हमको चाहिए, हम उनके साथ नहीं चलना चाहते, हम घसीटते हुए अपने साथ उनको ले जाना चाहते हैं। जब आदमी चलता है, कोई बूढ़े को लेके वार्ड बॉय जब चलता है, कैसे चलता, अपनी स्पीड से चलता कि बूढ़े बीमार की स्पीड से चलता, अपनी स्पीड से चले तो गिर जाएगा, आपको बच्चे की स्पीड से चलना चाहिए। हो सकता आज उसको नहीं आए, कल आएगा, आप उसकी कोशिश करने पर उसको हौसला अफजाई करो। देख बेटा कितना अच्छा मेहनत कर रहा बच्चा, कोशिश कर रहा, आज नहीं आएगा बेटा कल आएगा, घबराना नहीं, हिम्मत छोड़ना नहीं, आएगा आएगा, आज नहीं आ रहा ना आएगा, डर मत, मैं पिटाई नहीं करूंगा तेरी, मैं डांटूंगा नहीं, मैं नाराज नहीं तेरे से, नहीं आ रहा, बच्चा डरता रहता है एकदम, वो जितना टेरिफाइड है आपको नहीं मालूम आपका डर कितना है उसके ऊपर, वो अपने आप के बारे में मालूम नहीं क्या क्या सोच रहा है, मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ना चाहता बोलता हो, आप उसको बोलो नहीं बेटे कोशिश करने से आता, हमको भी इसी होता था, हम भी नहीं पढ़ पाते थे, फिर हमने सीखा, फिर देखा आज हम पढ़ रहे हैं, तू भी पढ़ते पढ़ते पढ़ेगा। एनकरेजमेंट, इस तरह से अगर हम बच्चों के साथ चलें, बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम बच्चों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में बिगाड़ देते हैं। जल्दी का काम शैतान का, हदीस में क्या है, अतअन्नी मिन अल्लाह वल अजलतु मिन शैतान, सूझबूझ के साथ, सलीके से, तरतीब के साथ काम करना अल्लाह की तरफ से है, और जल्दबाजी करना ये किसकी तरफ से है, शैतान की तरफ से। जल्दबाजी से बहुत नुकसान होता है, जल्दबाजी किसको कहते हैं, वक्त होने से पहले जल्दी करना, मुसारात किसको कहते हैं, वक्त हो जाने के बाद मुनासिब वक्त पे जल्दी करना, दोनों में फर्क है, जल्दबाजी अच्छा नहीं है, मुसारात अच्छी चीज है। तो बच्चों के ताल्लुक से ये, यानी गोया के समझ लीजिए एक मुकदमा है, कि उनको जब हम समझाएं तो क्या चीज याद रखना, उनकी कैपेसिटी देखना अपनी नहीं, और उनके साथ चलना अपनी स्पीड से नहीं। इस पे हम तफसील से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे नमाज के बाद इंशाल्लाह, कि बच्चों को हम दीन की बातें समझाएं तो क्या क्या तरीके हैं समझाने के, इंशाल्लाह इसको हम इख्तिसार के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बुनियाद अगर समझ में आ गई, बाकी चीजें इंशाल्लाह अपने आप समझ में आएंगी। अकुल हादा वस्तफिल अहली वलकुम।